ये देखो भाई कितनी ऊंची प्रतिमा लगाई गई है हनुमान जी की, बिल्कुल हमारे यहाँ के सीतामढ़ी जैसा। अभी शाम का टाइम हो गया है तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। इधर देखो चंदा मामा निकल आए, और कितना बढ़िया भव्य मूर्ति लगाई गई है। जय श्री राम। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हो गए। गाइस दोपहर के 1:30 बज गया भाई। कल मेरा वीक ऑफ था, रात भर बिल्कुल नींद नहीं आई, और सुबह भाई 6 बजे से मैं सोया हूँ, और अभी 1:30 बज गया तो सो के उठा हूँ। और अब सोच रहा हूँ चल के कुछ खाना वाना बनाते हैं, कुछ अच्छा बना के विजय भैया को सरप्राइज करेंगे। विजय भैया अभी इधर सो रहे हैं। ये देखो भाई, विजय भैया अभी सो रहे हैं, मैं इधर पनीर मटर और फॉर्चून का तेल लेके आया हूँ। और भैया सुबह दूध लेके आए थे, वैसे का वैसा ही रखा है, मतलब चाय तक नहीं बना है भाई। तो चलता हूँ पहले चाय बनाऊँगा, और उसके बाद फिर कुछ आगे सोचते हैं क्या करना है। गाइज इधर बन रहा है मराठी पनीर, और इधर ये मटर वटर सब बढ़िया काट के भैया ने रेडी कर दिया है। और भाई ये खट खट की आवाज़ सुन रहे हो ना, ये 15 दिन से चल रहा है। हम लोग रात भर नाइट जग के ड्यूटी करते हैं, और भाई हमारा पूरा नींद खराब हो जाता है। हमने कई बार रूम ओनर से बोला लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अभी ये सब रेडी करके हम जाएंगे आज छतरपुर मंदिर दर्शन करने के लिए। सो गाइज हमारी पनीर इधर, कचौरी और कुकर में चावल हमने कर दिया रेडी, और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने। दर्शन करके आएंगे तो फिर हम खाना खाएंगे। सो फाइनली दोस्तों शाम के बज गए 5, और हम लोग बहुत दिन से बाहर नहीं गए हैं। देखो विजय भैया भी तैयार हो गए, तो आज हम लोग जा रहे हैं छतरपुर, दिल्ली छतरपुर कात्यायनी देवी मंदिर का दर्शन करने। भाई बहुत बड़ी बजरंगबली की प्रतिमा लगी है वहाँ पे, मूर्ति है, और साथ ही साथ भाई 70 एकड़ में मंदिर फैला हुआ है। तो चलते हैं आज थोड़ा दर्शन करके आते हैं। देखो भाई आ गया मंदिर के पास, और उस साइड भी मंदिर है, इस साइड भी मंदिर है। चलते हैं थोड़ा अंदर घूमते हैं सामने, मतलब कितना बड़ा मस्त मंदिर है भाई। ये देखो सामने लगी है लाइन, यहाँ से सब जाएंगे अंदर दर्शन करने, यहाँ पे जूता चप्पल जमा करके। तो चलते हैं हम भी यहाँ पे जूता जमा करके अंदर जाएंगे दर्शन के लिए। भाई इधर से है एंट्री गेट, है देखो मंदिर ही मंदिर, यहाँ से हम एंटर किए हैं। इधर मस्त पानी का फव्वारा चल रहा है, और इधर कितना मस्त डिजाइन वाला मंदिर बना है चारों तरफ, और विजय भैया आगे आगे घूम रहे हैं। ये देखो गेट पे हाथी, और उधर भाई सामने कितना मस्त डिजाइन किया है। चलते हैं थोड़ा और अंदर, और फिर भगवान का करेंगे दर्शन। भाई ये देखो कितना मस्त भव्य मंदिर बनाया गया है, सामने इसके डिजाइन देखो, और कितना मतलब कितनी मस्त इसमें शिल्पकारी की गई है, कितना ऊंचा है। इधर ये पूरा मंदिर ही मंदिर है, मंदिर प्रांगण पूरा उस साइड से लेके अभी बैक रोड पे भी है, लेकिन ये जो सामने है देखो कितना मस्त इसे डिजाइन किया गया है, मस्त सीढ़ी उढ़ी खूब बढ़िया बनाया गया है भाई छतरपुर में। मैं भाई कम से कम 2 साल से यहाँ रोज़ जा रहा हूँ बाहर से, लेकिन आज विजय भैया ने कहा, उधर विजय भैया पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं, विजय भैया ने कहा चलो आज थोड़ा मंदिर घूम के आते हैं। चलता हूँ थोड़ा और नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखो भाई अंदर माता जी का रथ रखा हुआ है, कितना मस्त रथ बना है। इसी रथ से रथ यात्रा निकाला जाता है, अंदर शीशे में पूरा पैक है। ये देखो भाई ये है सामने मंदिर का इस साइड से फ्रंट, और इधर संत नागपाल महाराज जी का फोटो भी लगा हुआ है जिन्होंने मंदिर बनवाया था। और सामने से भाई कितना खूबसूरत ये मंदिर लग रहा है, थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ,
कितना मस्त पेंटिंग वेंटिंग किया गया है और कितनी हाइट है। और ये देखो बगल में ही हनुमान जी की बड़ी वाली मूर्ति लगी हुई है। चलते हैं उधर भी आपको दिखाते हैं, तब तक ये मंदिर को थोड़ा सा बैक साइड से और अच्छे से दिखा रहा हूँ। भाई ये माता का दर्शन कर लो आप, मंदिर के अंदर का सीन है, अलाउ नहीं है, फिर भी आप दर्शन कर सकते हो। तो कितना बढ़िया लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगी है। भाई नवरात्र के समय तो आपको यहाँ बिल्कुल स्पेस नहीं मिलेगा और कैमरा अलाउ नहीं रहता है, लेकिन अंदर बहुत ही भव्य दर्शन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर प्रभु के श्री संत नागपाल महाराज जी की प्रतिमा लगाई गई है और पूरा अंदर सब मंदिर में देखो कितना भव्य सजावट किया गया है। और उस साइड मंदिर है तो चलते हैं थोड़ा उस साइड। भाई इधर से सीढ़ी है और इस सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गए और आप थोड़ा ऊपर का दर्शन करो, देखो कितना मस्त यहाँ पे बनाया गया है। ये अंदर का सीन है भाई, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। ये भाई प्रभु राम लक्ष्मण सीता जी का दर्शन करो आप, हर जगह कैमरा मना है लेकिन मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ। तो इधर बढ़िया प्रभु के हो गए दर्शन, जय श्री राम। अब चलते हैं दूसरी साइड के मंदिर में। ये है भाई दूसरे साइड का एंट्री गेट, चलते हैं यहाँ के मंदिर में थोड़ा सा घूमते हैं। और यहीं है बजरंगबली की सबसे बड़ी प्रतिमा, तो अब चल रहे हैं अंदर। देखो भाई ये है फ्री पार्किंग, यहाँ पे अगर आप आते हो दर्शन के लिए तो यहाँ पे पार्किंग फ्री है। अंदर स्कूल उस्कूल भी सब बनाया गया है और इस साइड ज़्यादा मंदिर नहीं है, तो चलते हैं जिस साइड मंदिर है। ये धर्मशाला टाइप है तो चलते हैं जिधर मंदिर है। ये देखो भाई टर्टल के ऊपर कितना मस्त त्रिशूल बनाया गया है, इतना मस्त भव्य लग रहा है देखो आप। और सामने मंदिर है, उधर भी मंदिर है, इधर बजरंगबली की मूर्ति है। ये आप मेट्रो से सफ़र करोगे तो भी आपको दिख जाएगा, कितना अच्छा लग रहा है। भाई फाइनली शाम के 6:30 बज गए, ठंडी के दिन तो गए इसके लिए ज़्यादा नेहला नहीं हुआ है, पर भाई मंदिर में घूम के बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल क्राउड नहीं है, हर जगह का बहुत अच्छे से दर्शन हो रहा है। और भाई मुझे मंदिर के इतिहास के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन दर्शन बहुत अच्छा हो रहा है। और यहाँ नवरात्र के समय इतनी भीड़ रहती है ना भाई कि पूछो मत, जगह नहीं मिलता दर्शन करने के लिए। तो मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसे समय आया हूँ कि देवी का दर्शन बहुत अच्छा हो रहा है। ये देख रहे हो भाई कितना मस्त डिजाइन किया गया है मंदिर। इधर ये ओम तो बनाया ही गया है टर्टल के ऊपर, और अंदर गोरखनाथ महाराज का मूर्ति लगा हुआ है, और सामने वो परी का मूर्ति बनाया गया है। यहाँ बहुत सारे, ये देखो कितना बढ़िया गेट पे डिजाइन किया गया है, और अंदर गोरखनाथ महाराज का प्रतिमा लगाया गया है। सामने हवन कुंड, ये देखो महाराज जी हैं, और आगे भी इधर ये गार्डन बनाया गया है थोड़ा सा, और बहुत अच्छा वो सामने का मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। चलते हैं उधर। और देखो भाई ये कितना मस्त, अंदर दर्शन करने के लिए लाइन लगाना पड़ता है यहाँ, तो मस्त इसे भी बनाया गया। अब चलते हैं थोड़ा बजरंगबली की प्रतिमा के पास। ये देखो भाई कितनी ऊंची प्रतिमा लगाई गई है हनुमान जी की, बिल्कुल हमारे यहाँ के सीतामढ़ी जैसा। अभी शाम का टाइम हो गया है तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। इधर देखो चंदा मामा निकल आए, और कितना बढ़िया भव्य मूर्ति लगाई गई है, जय श्री राम। ये देखो भाई सामने कितना बड़ा खाली हॉल पड़ा हुआ है, और इधर ही माता के दर्शन कर लो भाई, कहीं भी कैमरा अलाउ नहीं होता, फिर भी आप आराम से माता के दर्शन कर लो, कितना बढ़िया भव्य दर्शन। और जूम करके करा देता हूँ। और उधर भी मंदिर है, और शाम हो गई है अब तो मुझे घर निकलना पड़ेगा। ये देखो लाइन के लिए पूरा ग्रिल लगाया गया है, और मस्त इधर बढ़िया माता के दर्शन हो गए। एक मंदिर और बचा है, वहाँ भी दर्शन करके अब हम निकलेंगे घर। भाई श्री हरि का दर्शन कर लो, श्री विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी,
गरुड़ भगवान, इनका भाई दर्शन होना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। प्रभु के दर्शन पाके हम तो धन्य धन्य हो गए भाई। जय श्री हरि। भाई एक मंदिर ये है, प्रभु हरि का दर्शन हो गया, अब यहाँ चलते हैं दर्शन कर लेते हैं। विजय भैया को तो कैमरा के सामने आना बहुत बड़ी एलर्जी है, तो मैं उनको परेशान भी नहीं करता, उन्हें दूर दूर ही रखता हूँ। वो बस घूम लेते हैं, घूमने का उनका शौक़ है, वो पूरा कर देते हैं बस। तो चलते हैं, यहाँ दर्शन करके निकलेंगे घर, क्योंकि हमें जाना है ड्यूटी। सो फाइनली दोस्तों, पूरा मंदिर घूम लिया, पूरे 2-2.5 घंटे लगे। और इधर ये देखो विजय भैया। हेलो, हाय। आज बड़े मुश्किल से कैमरे के सामने आए। अब हम चल रहे हैं घर भाई। थोड़ा दुबला पतला हो गया यार, बस पेट बाहर निकलता जा रहा, क्योंकि अभी हमें जाना है ड्यूटी। है गाइज, गुड मॉर्निंग। सॉरी गाइज, कल बहुत लेट आया मैं रूम पे, तो कल प्लॉट कंप्लीट नहीं कर पाया मैं, और ड्यूटी भी जाना था, क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ियाँ रात के ड्राइवर्स को मिलना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ जो दिन में चल के आती है वो चार्ज नहीं रहती, और फिर वही गाड़ी हमको मिलती है। तो गाइज आज हम इस ब्लॉग को कंप्लीट कर रहे हैं। और गाइज हमारा कल का टेंपल का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद। भाई नींद बहुत तेज आ रही है।